देश की राजधानी नई दिल्ली में आज यानी 3 नवंबर को ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। नोएडा में भी हवा गंभीर श्रेणी में ही बनी हुई है। वहीं गाजियाबाद के इंदरपुरा इलाके में AQI बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली NCR के इलाकों में आसमान में धुंध ही धुंध नजर आ रही है। हालात यह है कि लोगों को सीने और आंखों में जलन की भी शिकायत हो रही है। आज सुबह यानी 3 नवंबर को दिल्ली में सुबह 7 बजे के करीब AQI 400 से अधिक दर्ज किया गया। वहीं कल शाम की बात करें तो दिल्ली में AQI 392 दर्ज किया गया था। साफ है कि दिल्ली में हवा दिन प्रतिदिन जहरीली होती जा रही है। दिल्ली में सुबह 7 बजे के करीब AQI 460 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। बता दें कि सुबह 7 बजे तक दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI 400 से ज्यादा दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ही ग्रैप थर्ड लागू कर दिया गया है। ग्रैप थर्ड के तहत दिल्ली NCR में गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन के काम, पत्थर तोड़ने और खनन को रोकने के निर्देश जारी हो गए हैं। नोएडा गाजियाबाद की क्या है हाल? दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। 3 नवंबर के सुबह 7 बजे के आंकड़ों के मुताबिक बता दें कि अलीपुर में AQI 439 दर्ज किया गया है। वहीं ITO पर AQI 433 दर्ज किया गया है।